हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का मैकेनिकल एट ईज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के नाते, तो देख लेते हैं हम कौन कौन सी ब्रांच के छात्र यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कंपनी है वो एक नवरत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है, यानी कि ये इनकी कैटेगरी है एंड इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायर द फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर इट्स एडवांस डिफेंस सिस्टम नेवी एडीएसएन एसबीयू बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट इंजीनियर के नाते जो वैकेंसीज आउट हुई हैं उनकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है और मैकेनिकल ब्रांच है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए 4 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 23 वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशन के आधार पर आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं और अपर एज लिमिट क्राइटेरिया भी बताया है इन्होंने। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड टू योर वर्क। लोकेशन की बात करें तो मुंबई या फिर कोलकाता आपकी लोकेशन रहेगी पोस्टिंग की। 4% ऑफ द पोस्ट आर रिजर्व फॉर PWBD, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। टेन्योर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट विल बी इंगेज्ड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विच मे बी एक्सटेंडेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। रेमुनरेशन की बात करते हैं तो आप यहां देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 पर मंथ रेमुनरेशन मिलेगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो 45,000, थर्ड ईयर की बात करें तो 50 और फोर्थ ईयर की बात करें तो 55,000। इस प्रकार से क्या है कंसोलिडेटेड रेमुनरेशन पर मंथ की लिस्ट इन्होंने यहां पर बताई हुई है। एडिशनल बेनिफिट क्या मिलेंगे, 12,000 पर ईयर टुवार्ड्स इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवियर अलाउंसेस एटसेट्रा, ये आपको मिलेंगे 12,000 इनके बदले में। ठीक है जी, बाकी बातें आप देख लेना डिटेल के साथ। अगर आपको पढ़ना है तो नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई या फिर बीटेक 4 साल का कोर्स आपने किया हो किसी अच्छे संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर मैकेनिकल में, किसी भी ब्रांच में अगर आपने 4 साल की डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं यहां पर अप्लाई करने के लिए। यदि हम बात करते हैं परसेंटेज कितनी चाहिए, जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है जी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद में क्या है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है कि आपके पास होना चाहिए। डिटेल के साथ पढ़ना है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस का जो एरिया है वो कौन कौन सा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो यहां पर इन्होंने एक लिस्ट बता रखी है। मैकेनिकल की बात करें तो भी इन्होंने यहां पर एक लिस्ट यहां पर जारी की हुई है कि इससे संबंधित आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपने पहले कभी काम किया हो।
और नोट में भी लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि स्पेशली इन्होंने मेंशन किया है टीचिंग एक्सपीरियंस, आईटी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स विच आर ए पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम विल नॉट कंसीडर एज एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के तहत कंसीडर नहीं किया जाएगा जो भी मैंने अभी आपको बताया है। तो मैं इसको ये डार्क कर दिया है ताकि आपको पता लग जाए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो लिख रखा है इन्होंने अच्छे ढंग से, देख लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा आपका और फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। रिटन टेस्ट का वेटेज रहेगा 85% और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 15%, ठीक है जी। तो ये बात भी आपको देख लेनी है। रिजल्ट जो है आपका आएगा BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसीलिए वेबसाइट को चेक करते रहना ताकि आपको पता लगता रहे कि कौन सी नई अपडेट आई है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से द डेट्स ऑफ सिलेक्शन, टाइमिंग एंड वेन्यू विल बी इंटीमेटेड टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल ओनली। तो मेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हुए हैं या नहीं, और उसके बाद में जो फाइनल आपकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी वो BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको सबमिट करने के लिए, यहां पर पूरी की पूरी लिस्ट का ब्यौरा दिया हुआ है। हाउ टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ये एड्रेस इन्होंने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। और आप यहां पर अप्लाई कर देना। लास्ट डेट अगर हम बात करें अप्लाई करने की तो 29 जुलाई 2023, यहां पर लास्ट डेट रहेगी 29 जुलाई 2023। एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, तो ₹472 आपकी फीस रहेगी, जिसमें ₹400 आपकी वैसे फीस है और 18% GST को मिला लिए तो 472 आपकी फीस रहेगी। और एक बात ध्यान में ये भी रखनी है कि जो कैंडिडेट्स PWBD कैटेगरी में आते हैं, SC या ST कैटेगरी में आते हैं, उनको एप्लीकेशन फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल जो बातें हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सारी की सारी बातें बड़े अच्छे ढंग से मेंशन की हुई हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स और एनी क्लेरिफिकेशंस प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, तो ये मेल आईडी है और नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है। दोनों के दोनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन का पता चल गया होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।